विवादित सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज राघोपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। उनके साथ उनके बड़े भाई और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। नामांकन के लिए रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव को उनकी मां और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने दही खिलाई। फिर उन्होंने बड़े भाई तेज प्रताप यादव और मां का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और नामांकन के लिए 10 सर्कुलर आवास से हाजीपुर के लिए रवाना हो गए। नामांकन के लिए रवाना होने से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को ओपन चैलेंज करते हुए चुनाव लड़ने की चुनौती दी। उन्होंने सीएम को चुनौती देते हुए कहा कि मैं तो आज नामांकन भरने जा रहा हूं, पर वो भी अपने गृह जिले नालंदा का कोई भी विधानसभा चुन ले और वहां से नामांकन करे। मैं भी वहां से नामांकन करूंगा और उन्हें हरा कर बताऊंगा कि जनाधार क्या है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि राघोपुर की जनता ने हमेशा हमारा साथ दिया है और इस बार भी हमारा साथ देगी। आज तेजस्वी ने एक बार फिर कहा कि हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी दूंगा और नियोजित शिक्षकों को सरकार बनने के दिन समान काम समान वेतन की मांग को पूरा करूंगा।